हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक एचटीएमएल प्रोग्रामिंग से हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं। सो फ्रेंड, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस एचटीएमएल प्रोग्रामिंग करने के लिए हम कोई भी एडिटर ले सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया। तो एनीवन हम कहीं पर भी कोड लिख सकते हैं। तो हम अपना नोटपैड ओपन करते हैं जहाँ से आसानी हो। इसे हम ओके करेंगे। आज यहाँ सैंपल हम लोग कोड बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बस क्रिएट करेंगे। चलिए हम अपना टैग, पहले जो हम बनाते हैं उसका टैग ले लेते हैं, ताकि हमें पता चले क्या किस क्या चीज़ है। डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हम एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ओके गाइस, फिर गाइस हम HTML लेंगे टैग, एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, HTML पिन लिखेंगे, फिर हम बंद करेंगे HTML। बॉडी फिर गाइस हम एंगुलर ब्रैकेट, ज्यादा से ज्यादा इसमें एंगुलर ब्रैकेट ही यूज होगा गाइस। फ्रेंड, एच मतलब गाइस होता है हेडिंग होता है, H2 यहाँ तक हम डिजाइन करेंगे ताकि हमको पता चले कि हम क्या चीज हम बना रहे हैं, क्या चीज डिजाइन कर रहे हैं। सो HTML, अब हम फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तो फॉर्म लिख देंगे यहाँ पर, फॉर्म्स हम टैग क्लोज कर देंगे। H2 हेडिंग 2, फिर गाइस हम लेंगे एंगुलर ब्रैकेट फॉर्म एक्शन, डबल कोट गाइस, फिर हम इसको क्लोज करेंगे, एक्शन अंडरस्कोर साइन पेज डॉट PHP गाइस, हम डबल कोट से बंद करेंगे, फिर एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, फिर हम इसका लेबल लेंगे LABEL फॉर डबल कोट गाइस, फर्स्ट नेम हम लोग लेते हैं, लेकिन हम यफ नेम ले रहा हूँ। यफ नेम इसका मतलब यही होगा, फर्स्ट नेम। हम बंद करेंगे एंगुलर ब्रैकेट से, हम टाइपिंग करेंगे फर्स्ट नेम कॉलम, इसे बोला जाता है गाइस। फिर हम टैग बंद करेंगे, BR इसलिए लगाया जाता है कि हेडिंग से कोई भी स्टार्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो, उसके नीचे से स्टार्ट हो। फिर हमें इनपुटिंग लेना है, तो एंगुलर ब्रैकेट इनपुट टाइप चल दो डबल कोट टेस्ट, डबल कोट से बंद करेंगे हम, ID स्केल टू डबल कोड, एफ नेम फिर डबल कोड गाइस, नेम एफ नेम जो हमने ऊपर यहाँ पर लिखा है अपने फर्स्ट नेम, और ये सिंगल कोड लग गया है, इसको हटा के हम डबल कोड करते हैं। ये हो गया, इसे हम बंद करेंगे, फिर हम टाइपिंग करेंगे नेम। यहाँ पर आप कुछ भी कंटेंट, कुछ भी जैसा भी आपको फॉर्म बनाना है वैसा भी आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वल टू एफ नेम वैल्यू
इज इक्वल टू, फिर आपका जो भी नाम है आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर, एनीवन कुछ भी कर सकते हैं, मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ। इसे हम बंद करेंगे डबल कोट से, एंगल ब्रिकेट, हेडिंग को नीचे लाना है हमको, फिर हमें लेवल लेना होगा, और गाइस यहीं भी एरर आया तो वहां पर प्रॉब्लम होगी जब हम इसे ओपन करेंगे तो। एल नेम मतलब लास्ट नेम होगा, समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एंगुलर ब्रैकेट क्लोज रहेगा, फिर हमें यहाँ टाइपिंग करना होगा लास्ट नेम, लेबल, यहाँ हमने बंद कर दिया टैग को, फिर हमें हेडिंग को नीचे लाना है तो डी आर, फिर हमें इनपुटिंग लेना है इनपुट टी वाई पी ई स्केल टू, डबल कोट में हमें टेस्ट लिखना है, फिर डबल कोट से बंद करना है, आईडी स्केल टू डबल कोट, तो फिर नंबर एल नेम लेना है तो लास्ट नेम होगा, फिर नेम एल नेम और डबल कोट, और इसके वैल्यू हमें लेना होगा वैल्यू, वैल्यू जो मतलब आपका लास्ट नेम है तो यही होगा, और हमें लास्ट टाइम लेते हैं, फिर हमें करना होगा बंद, फिर ओपन बी आर, इसको आप नहीं लगाएंगे फिर भी चलेगा फ्रेंड, हो गया गाइस। अब हम एक दूसरा आइकन लेंगे जो सबमिट का आइकन है, जो अक्सर हर एक फॉर्म में लास्ट में यही होता है, सबमिट करने के लिए फॉर्म फिलअप करने के बाद हमें वो सबमिट करना होता है, तो गाइस हम ज़्यादा बड़ा नहीं फॉर्म बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे, लेकिन यही सब कोड मिला के बड़ा फॉर्म बनता है फ्रेंड, फिर हमें इनपुटिंग लेना होगा इनपुट टी वाई पी ई टाइप इक्वल टू सबमिट, तो गाइस ये हमारा सबमिट का ऑप्शन बन रहा है, ध्यान से देखिए, तो गाइस यहाँ हम क्लोज करेंगे फॉर्म को अपने, और इसे हम नीचे करेंगे, और एक चीज और बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पी इसका मतलब यही है, हम यहाँ टाइपिंग करके लिख दे रहे हो क्या मतलब हुआ, इफ यू क्लिक द सबमिट बटन द फॉर्म ऑफ डेटा विल बी सेंट टू ए पेज कॉल्ड एक्शन, यहाँ हम डबल कोट स्लैश लेके बंद करेंगे एक्शन, ये अंडर स्कोर हमारा हो गया, फिर हम बंद करेंगे इसे, डॉट एंगुलर ब्रैकेट इसे ओपन कर, एक बार हम ओपन करेंगे फिर बंद करेंगे फ्रेंड, इसे हम करेंगे बंद, फिर हम बॉडी
बॉडी अपना क्लोज करेंगे। गाइस कोई भी टैग हमें ओपन करना तो उसे क्लोज भी करना होगा। तो गाइस ये छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया तैयार, और इसके बाद हमें ये एक काम करना होते हैं, सेव करना होगा। सेव करने के तरीके होते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, एक्सटेंशन सेव करना पड़ता है तभी ये ओपन होता है, तभी ये रन करेगा। मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ इसको, और एक सैंपल नाम देता हूँ फॉर्म, और इसका एक्सटेंशन गाइस ये होता है कि .html, और HTML भी आप टाइप कर सकते हैं। HTML फाइल फाइल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम सेव कर देंगे। और चलिए हम देखते हैं कि हमारा फॉर्म कैसा क्रिएट हुआ। यहाँ पर फ्रेंड हमारा फाइल बना हुआ है फॉर्म, और इसे हम ओपन करेंगे। तो गाइस ओपन हो रहा है, देखिए आप। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैंने जो ऊपर लिखा था HTML फॉर्म, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इससे पता चलेगा फॉर्म है। और यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस ऐसे ही करके आप पासवर्ड, मेल, जेंडर, कुछ भी आपके जैसे मोबाइल नंबर, ऐसे आने वाले मैं वीडियो में बता दूंगा, अभी मैं सैम्पल वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आप इसे हटा के कुछ भी लिख देते हैं। कुछ भी यहाँ सबमिट कर देंगे, बस ऐसे सबमिट करना होगा फ्रेंड। सो वीडियो में बने के लिए धन्यवाद।